नमस्कार दोस्तों पेश है इंडिया की नंबर वन कॉमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त जो कि गाड़ी आ चुकी है बात करें अगर दोस्तों इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी की काफ़ी शानदार दी गई है इंडिकेटर के बेजिंग के साथ अशोक लेलैंड का बेजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं लेलैंड का लोगो काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों अगर हम बात करें वाइपर की तो वाइपर आप इसके देख सकते हैं काफ़ी शानदार डिज़ाइन है वाइपर की वॉशेबल वाइपर दिए गए हैं फ्रंट शीशा जो है इसका लेमिनेटेड शीशा है ताकि एक्सीडेंट होने पर काज इसके बिखरेंगे ही नहीं दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके फाइबर मरकाट की तो इसका जो मरगाट है काफ़ी हैवी फाइबर के साथ यूज़ लिया गया है साथ ही साथ रिफ्लेक्टर कंपनी ने दिया गया है जो कि इस गाड़ी के अंदर चार चांद लुक लगाता है गाड़ी का जो लुक है राउंड शेप में साथ ही साथ साइड ग्लास जो देख सकते हैं काफ़ी शानदार लुक में शीशा जो है इसका काफ़ी क्लीन है ताकि पीछे का पूरा आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बेजिंग लीलैंड के इंडिकेटर के साथ बात करें अगर इसके डोर लॉक की तो काफ़ी स्मूथ है इसका डोर लॉक और आसानी से ये खुल जाता है अब हम बात करेंगे इसमें ड्राइवर साइड जो फाटा की यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल हैंड इसमें दिया गया है लॉकिंग शीशे चढ़ाने के लिए ऑप्शन यहाँ पर बॉटल स्टैंड दिया गया है साथ ही साथ स्पेयर म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर दिया गया है एक ऑप्शन और स्पीकर के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार लग रहा है फुट स्ट्रिप देख सकते हैं गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो आसानी से आप चढ़ सकते हैं अंदर सीटों की अगर बात करें तो कम्फर्ट सीटें लेदर की बेजिंग के साथ और टू बाई वन इसमें सीटें दी गई है तीन जने आराम से इसमें जा सकते हैं दोस्तों सफ़र जो है इसका आरामदायक है पीछे आप देख सकते हैं फोल्डेबल इसमें ग्लास दिया गया है जिससे कि अंदर हवा आने जाने में काफ़ी आसानी रहती है अब हम बात करेंगे इसके डिजिटल मीटर के बारे में तो डिजिटल मीटर में टॉप स्पीड इसकी अस्सी की दी गई है हीटिंग का ऑप्शन साथ ही साथ और डीजल का जो ऑप्शन है वो पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है फोर बाई फोर इंडिकेटर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसमें साथ ही साथ इसमें म्यूज़िक का जो टेप का बॉक्स है यहाँ पर फिट कर सकते हैं गियर बॉक्स की बात करें तो फाइव स्पीड टॉप गियर बॉक्स वन रिवर्स के साथ पोर्टेबल चार्जर सॉकेट आसानी से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसमें लंबे सफ़र पर बात करें अगर इसमें ग्लव बॉक्स यानी कि टूल के बारे में तो काफ़ी बड़ा टूल दिया गया है इसमें आसानी से आप अपना पेपर वगैरह रख सकते हैं इसका जो फर्श की बेजिंग है काफ़ी शानदार है और बात करें अगर इसमें हैंड ब्रेक की तो हैंड ब्रेक का जो कंट्रोल है काफ़ी आसानी से ये जो गाड़ी है पावर स्टेरिंग नॉन पावर स्टेरिंग दोनों में अवेलेबल है साथ ही साथ वाइपर का कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ दिया गया है साथ ही साथ हेडलाइट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कंट्रोलिंग का और अब हम दोस्तों बात करेंगे इसमें आ, अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ से सेफ्टी फीचर्स दिया गया है ये जो है सन वाइज़र धूप से बचाव के लिए लाइट अंदर दी गई है साथ ही साथ बैकग्राउंड शीशा इसमें दिया गया है आसानी से पीछे का पूरा जो विजिबिलिटी है आप आसानी से देख सकते हैं वहाँ पर भी हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए सेफ़्टी रूफ छत की बात करें तो काफ़ी कम्फर्ट रूफ छत आसानी से इसकी साफ़ हो जाती है क्लीन अप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है दोनों सीटों में और अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें रेस की तो रेस आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है टॉप एट एट्टी की स्पीड के साथ डिस्क ब्रेक इसमें दिया गया साथ ही साथ क्लच का ऑप्शन और विजिबिलिटी हेडलाइट की दूर पास करने के लिए चाबी का ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है दोस्तों साथ ही साथ इसमें जो सीट है एडजस्टेबल सीट है आगे पीछे आराम से अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं टायर जो इसके चौदह इंची टायर दिए गए ट्यूबलेस टायर दोस्तों इसमें दिए गए और अब बात करेंगे इसके मरघाट की तो यहाँ पर मरघाट और एयर कलैंडर का ऑप्शन यहाँ पर नज़दीक में ही दिया गया है जो कि कैबिन से अटैच है इसमें आप देख सकते हैं बैटरी की अगर बात करें दोस्तों तो 12 वोल्टेज की इसकी बैटरी दी गई कंपनी ने चेची जो है इसका सी चैनल काफ़ी मजबूत है हैवी जैक का ऑप्शन यहाँ दिया गया है दोस्तों अगर कबानी की बात करें लीफ यानी की तो पीछे छः पट्टे कंपनी ने दिए गए हैंवी लोड ले जाने के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है और अब हम बात करेंगे गाड़ी के बैक साइड के लुक के बारे में तो बैक साइड का जो इसका लुक है हिंदुजा ग्रुप की बेजिंग के साथ दिया गया है ब्रेक लाइट साथ में दी गई है स्पेयर स्टेपनी साथ में दी गई है ताकि कहीं पर पंचर होने पर आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी अब दोस्तों हम बात करेंगे कबानी और चेचिस के बीच में स्पेस आप देख सकते काफ़ी अच्छा स्पेस है पट्टे बढ़ाने की जरूरत नहीं है एक्सल यहाँ पर दिखते हैं हैवी एक्सल इसमें दिया गया है शोकर जो है दोनों तरफ शोकर दिया गया ताकि गाड़ी ब्रेकर पर भी आपको आरामदायक अंदर केबिन में फील होगा दोस्तों अब इसमें बात करेंगे फ्यूल टैंक की फ्यूल टैंक जो है इसका दोस्तों लीटर की कैपेसिटी है साथ ही साथ लॉकिंग का सिस्टम दे रखा है ताकि डीजल चोरी होने की शिकायत न रहे अब हम बात करेंगे इसमें इंजन जो इसका अस्सी एच का हॉर्स पावर्स का इंजन है साथ ही साथ सीसी की बात करें तो चौदह सीसी का इंजन है थ्री सिलेंडर टर्बो इंजन यहाँ पर साइलेंसर आप देख सकते हैं कवर्ड है साइलेंसर जल्दी गर्म नहीं होता है साथ ही साथ हैवी चेचेज जो इसमें दिया गया है साथ ही साथ इसकी जो दोस्तों बॉडी की अगर लंबाई की बात करूँ तो साढ़े फीट इसकी लंबाई है चौड़ाई जो है इसकी साढ़े फुट है गाड़ी जो है काफ़ी शानदार लुक है और लॉन्ग गाड़ी है पिकअप से काफ़ी बेहतर लंबी है साथ ही साथ लगेज लेना ले जाने में उससे ज़्यादा लगेज ले जाती है दोस्तों अगर हम बात करें इसका ग्रोस वेट तो उनतीस सौ नब्बे के ग्रोस वेट है जी वी डब्ल्यू पे लोड चौदह और आगे अगर हम पट्टे की बात करें तो तीन लीफ इसमें दिए गए दोनों तरफ और देख सकते हैं आप काफ़ी हैवी मज़बूत पट्टे और ताकि आपको आ, कंफर्ट महसूस हो साथ ही साथ यहाँ पर बरगाट देख सकते हैं इसके जो विल पैस है उनतीस सौ नब्बे एम एम के विल बैस है एसी नॉन ए सी दोनों में ये गाड़ी अवेलेबल है दोस्तों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ जय हिंद जय जे भारत धन्यवाद